अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एमएफ गार्डन। और आज मैं जो ग्रो करने वाला हूँ टमाटर है। आज क्यों ना टमाटर से ही टमाटर के पौधों को जनरेट करें। तो सिंपल एक तरीका है कि हमने इसको काटना है और इसके जो स्लाइस हैं वो मिट्टी में फिल कर देना है। तो मिट्टी हमें पहले कैसी लेनी है, तो मिट्टी हमने वेल ड्रेन ले ली है, इसको छान भी लिया है कि इसमें से जो स्टोन्स हैं, छोटे स्टोन्स हैं, वो छट जाएं और वेल ड्रेन हो जाए, ताकि हमारे जो छोटे पौधे हैं उनको जर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, सॉफ्ट रहे, ताकि जो जड़ें हैं वो आसानी के साथ जो है मूव कर सकें। तो मिट्टी हम पहले जो है फील कर लेते हैं इसमें। इसे में हमें जो है जिस प्लास्टिक में मैं ग्रो करने वाला हूँ उसमें होल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि आपने देखा कि पहले से ही थोड़ी सी ब्रेक थी जहाँ से पानी ड्रेन हो जाएगा। तो हमने इसको एक लेवल के ऊपर इसको फील कर देना इस मिट्टी के साथ। अब हम इसके ऊपर स्लाइस रखेंगे टमाटर के, जो सीड वाले हैं सिर्फ वही इस्तेमाल करना है, इसमें सीड नहीं है तो हम ये छोड़ देंगे। सब्जियां बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं तो मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ जो किचन में इस्तेमाल नहीं हो सकते, थोड़े पिलपिले टाइप के हो गए हैं। ये जितने भी सीड आपको दिख रहे हैं ये सब जर्मिनेट हो जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे पौधे एक ऐसे टमाटर से मिल जाएंगे जो किचन में इस्तेमाल होने लायक नहीं रहा। तो ये चार स्लाइस काफ़ी रहेंगी, इसमें से ही हमारे बहुत सारे पौधे जो है वो जनरेट कर जाएंगे और उनको फ्रूटिंग भी होगी। तो अभी इसी मिट्टी के साथ मैं इसको फील कर देता हूँ। इसके ऊपर एक 2 इंची की लेयर काफ़ी रहेगी, 2 इंच से ज़्यादा ना हो। अगर बहुत ज़्यादा आप जो है इसको दबा देंगे मिट्टी में तो ऐसा नहीं है कि जनरेट नहीं हो सकेंगे, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो बात आती है पानी देने की, तो मैं ये एक जाली ले रहा हूँ। आप कोई भी सूती कपड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जाली ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले इसको पॉट पर अच्छी तरह ऊपर की लेयर पर दबा दीजिए और उसके बाद आप पानी दीजिए। इस तरह हमारे जो सीड हैं वो पानी देने के बाद इधर उधर भागेंगे नहीं, बल्कि एक ही जगह टिके रहेंगे। फर्स्ट टाइम में आपने पानी इतना देना है कि ड्रेनेज होल से बाहर निकल जाए, मतलब उसकी पूरी मिट्टी जो है वो सॉइल में पानी में भीग जाए। और उसके बाद पानी आप तब देंगे जब इसका ऊपर का सरफेस एरिया सूख चुका, उससे पहले पानी आपने नहीं देना। हम इसको अब एक शेडी एरिया में रख देंगे। आप चाहें तो इसको दोबारा हटा के देख सकते हैं, लेकिन इसको ढके रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। पानी ड्रेन हो रहा है और आहिस्ता हमारी मिट्टी भी जो है वो पानी को एब्जॉर्ब कर रही है। तो हम इसको एक शेडी एरिया में रख देंगे और देखेंगे कितने दिनों में हमारे जो बीज हैं वो स्प्राउट करते हैं। तो 8 दिन गुजर चुके हैं, हमने टमाटर की जो सीडलिंग की थी उसके पीसेस काट के लगाए, तो उसका जो रिज़ल्ट है वो आप देखिए कितना अच्छा आया है। हमारे बहुत सारे प्लांट यहाँ पे ग्रो कर गए। इनको एक्चुअली अब धूप की ज़रूरत है, क्योंकि जो इसकी लंबी लंबी स्टेम्स हैं ये बता रही हैं कि इनको धूप कम मिल रही है। जब धूप कम मिलेगी तो ये लंबे ज़्यादा होंगे, घने कम होंगे। तो इसीलिए अब हम इन्हें धूप में रखेंगे जहाँ पर 2-4 घंटे की इनको धूप मिले, तो ये बहुत अच्छी से ग्रो भी करेंगे और इसके दूसरे पीस भी जर्मिनेट होंगे। अभी भी अगर देखा जाए तो ये तकरीबन 15 से 20 पौधे हमारे तैयार हो चुके हैं और ये फ्रूटिंग भी करेंगे। तो अभी मैं इनको धूप में रख देता हूँ और उसके बाद जो है जब इनकी मदर लीव्स के बाद इनके लीव्स निकल जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब हम इनको जो है अलग-अलग अलग-अलग कर लेंगे। आज 29 अक्टूबर 2022, आज 21 दिन और गुजर गए। हमने टमाटर के पौधों की सीडलिंग की थी और हमारे बहुत ज़्यादा पौधे जो जर्मिनेट हुए थे उनमें से अब बहुत सारे जो है वो जल भी गए हैं, ये देखिए। तो बहुत सारे जलने के बाद हमारे पास कुछ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पौधे
हमारे पास बचे हैं, अब हम इनको ट्रांसप्लांट करेंगे। ट्रांसप्लांट देखे करने का एक जो सबसे बेस्ट वो है टाइम है वो ये है कि जब ये मदर लीव्स निकल जाएं, मदर लीव के बाद अगर एक शूट भी आपकी निकल गई पौधे की, उसके बाद आप उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपका पौधा मैच्योर हो गया है। लेकिन मैंने इनको बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया है, एक शूट या दो शूट और निकल गई हैं, तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करूँगा। क्योंकि प्लास्टिक पॉट में है इस वजह से इनकी जड़ें जो है वो गलने लगी हैं, स्टेम जो है वो गलने लगी हैं, और कुछ की तो डी शेप भी हो गई हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो ज़मीन पर लगी हुई हैं ये भी गलना शुरू हो जाएंगे, हमारे पौधे ख़राब हो जाएंगे। तो मैंने जो है वो थर्मापोल का डब्बा लिया है, अच्छी खासी इसकी हाइट है, डेप्थ इसकी बहुत ज़्यादा है। पुराना मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैं अपने टमाटर के पौधे इसी में लगाऊंगा। यहाँ पे इसको 2-4 घंटे की धूप इसको यहाँ पे मिल जाएगी, हर पौधे को बराबर नहीं मिलेगी लेकिन बहुत अच्छी धूप यहाँ पे इनको मिल जाएगी। 8 के 8 में जो है इसी डब्बे में लगाऊंगा, क्योंकि जगह बहुत ज़्यादा है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए काम शुरू कर लेते हैं। अब इनमें से हम पौधे निकालेंगे अपने, तो मैं एक जो है स्केल की मदद ले रहा हूँ जो कि मेरे पास वेस्ट पड़ा हुआ था, इस तरह मैं इसको निकाल दूँगा। ये देखिए कितनी अच्छी जो है वो इसकी ग्रोथ अभी चल रही है। ये देखिए, तो अब हम इनको सभी को ट्रांसप्लांट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। ट्रांसप्लांट करने का एक बेहतरीन तरीका ये कि आपने होल किया, अब इसको डेप्थ करने के बाद उंगली से ही ये किसी टूल की मदद से मिट्टी को पंच कर दें, इसको अपने पैरों पे खड़ा कर दें। बेस्ट तरीका जो है ट्रांसप्लांटिंग का वो यही है। जब भी आप अपने पौधों को ट्रांसप्लांट करें तो कोशिश करें उनके उनकी जड़ों को जो है वो हवा ना लगे, और जितनी ज़्यादा मिट्टी जड़ों के साथ रहे उतना ज़्यादा उसके लिए अच्छा रहेगा। तो अब टाइम इनको पानी देने का। मैंने कुछ इस तरीके से इनको ट्रांसप्लांट किया है कि जो पौधा जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर पानी रुकने का थोड़ा सा ज़रिया है, तो मतलब पानी उधर ज़्यादा स्टोर हो सकता है, ना कि पूरे सरफेस एरिया में फैले। अभी हम इनको कोई खाद मैसर नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक ये मैच्योर नहीं हो जाते और ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते तब तक हम इनको कोई खाद दे नहीं सकते। ऑलरेडी इसमें जो खाद है वही अपना काम करती रहेगी, जब ये मैच्योर हो जाएंगे इनकी लेंथ हो जाएगी तभी हम इनको जो है खाद मैसर करेंगे ताकि इनके ऊपर फ्रूटिंग अच्छी हो। ट्रांसप्लांट जब भी हम पौधे को करते हैं तो शुरू में वो जो है स्ट्रेस में ज़रूर आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल हो जाता है, और जब स्टेबल हो जाए तभी आपने उसको खाद देनी है। आप कोई भी पौधा जो है ट्रांसप्लांट करो, फौरन उसको खाद आपने नहीं देनी, जब वो मैच्योर हो जाए उसके बाद आपने उसको खाद प्रोवाइड करनी है। तो फ़िलहाल ये वीडियो मैं यहीं माइंड अप करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गई है। तो जब भी इसके ऊपर मैं वीडियो अभी कम्प्लीट करूँगा, ये मैच्योर हो जाएंगे इनको खाद किस तरह देनी है, फ्रूटिंग के दौरान क्या करना है, और इनको सेफ़ करने के लिए क्या करना है। मैं इधर अभी एक नेट भी लगाऊंगा क्योंकि हमारी मुर्गियां डोलती रहती हैं, वो इसके ऊपर चढ़ जाएंगी तो एक दिन में ये सब खा पी लेंगी। तो मैं अभी इसके ऊपर नेट भी लगाऊंगा, वो भी वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगा दूसरी वीडियो में मिक्सअप जो इसका सेकेंड पार्ट आएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और इसका बी पार्ट भी हम ज़रूर बनाएंगे, उसको भी ज़रूर वॉच कीजिएगा। तब मिलते हैं वीडियो में, अगली वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।